हाय गाइस, रोनवर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोग को थोड़ा हाईलाइट दे देता हूँ। अगर इससे पहले का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें हम लोग गए थे मेड ऑफ द मिस्ट नायग्रा फॉल्स में, और जो आज का व्लॉग है उसमें मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा केव ऑफ द विंड्स। असली नायग्रा फॉल्स का फील है ना, वो आज के व्लॉग में है, तो प्लीज उसको एंड तक देखिएगा। लेट्स गो। तो अभी हम लोग को जाने का केव ऑफ द विंड। उसके लिए क्या यहाँ पर, यहाँ से चली गई एक बस है, वो बस चली गई। हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे जाएं। कैसे जाना है, एनर्जी कम हो रही है मेरी, कैसे जाना है? वो ट्रेन से जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि वरना बहुत दूर है वो। हाँ, तो यहाँ पर रुकते हैं, उसको आने दो ट्रेन को, और वापस बैठ के चले जाएंगे। यस, तो इसकी टिकट आई है कुछ $6 की। चलो जाते हैं। आ गए यहाँ पर। हम लोग ने बस की टिकट ली है ना, उसमें हम लोग 7 बजे तक कितनी बार भी अप डाउन कर सकते हैं यहाँ पर, और अच्छी सर्विस है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोग थक जाते हैं, इसीलिए उन लोगों ने ये सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कितनी बार भी कर सकते हैं? हाँ, कितनी बार भी, 7 बजे तक। केव ऑफ द विंड्स यहाँ से चलो। ये केव ऑफ द विंड्स करने के बाद मैं स्केटबोर्ड निकालूंगा और पूरी पार्क आपको स्केटबोर्ड पर दिखा दूंगा एक बार। तो हम लोगों ने ये टिकट ले ली है केव ऑफ द विंड्स की, हम लोग दोनों की आई है $38 की दोनों की। अभी एक घंटा है हमारे पास, तो इधर किधर घूमते हैं, टाइम पास करते हैं या रिलैक्स करते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ पर चले जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो लोग सीधा बोलते थे चले जाओ, अभी बिकॉज ये कोविड चल रहा है ना, उसकी वजह से वो लोग पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं, एक घंटे के बाद हमारा टाइम है। तो एक घंटा यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर बाद में चले जाएंगे। अच्छा है, थोड़ा आराम कर लेंगे। थैंक यू। तो फाइनली हम लोगों ने एक घंटा आराम किया थोड़ा सा। एक्चुअली मैं तो लेट गया था यहाँ पर गार्डन में, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मैंने मेरे इंस्टाग्राम में थोड़ी स्टोरीज़ भी डाली हैं जब मैं यहाँ पर लेटा हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो अगर वो देखनी है तो वहाँ पर आ जाइए। और बस आराम किया और टाइम हो गया और यहाँ पर आ गए हम लोग। अभी सीधा अंदर जाएंगे। गुफा, एकदम गुफा, पहाड़ के अंदर से काट के बनाया हुआ है, एकदम गीला है देखो पूरा नीचे, ठंडा एकदम, चिल्ड एसी, मतलब एकदम ऐसा चिल्ड एसी नहीं है बट ठंड है, क्योंकि एकदम पानी पानी के बीचों बीच पहाड़ काट के बनाया ना, तो मस्त फील है, अच्छा फील है। यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे अभी। अरे क्या हुआ, गिरना मत, क्योंकि नहीं दिया ना चप्पल इस बार उन्होंने। अब पल्लवी नहीं आई क्योंकि पल्लवी थक गई, बोले मैं आराम कर लूँ, हम लोग बोला ठीक है तो आराम कर ले। हाय, थैंक यू। बोलती मैं आराम कर रही हूँ, मैं और रेशमा हम लोग ग्रुप से कम नहीं है, और आप लोग तो हमारे साथ हो ही ना, तो लेट्स रोल। अगली बार पहन लेता हूँ, नहीं तो ऐसा फील ही नहीं आएगा कि नायग्रा फॉल में आया था। तो अभी जो मेन फॉल है ना उस पे जा रहे हैं, इसका नाम है हेरिकेन डेक, इसका मजा अलग है। Rainbow.
अभी संभाल के चलना, पैर फिसलेगा और गिर सकते हैं हम लोग। बट उन लोग ने यहाँ पर रबर लगाया वो अच्छा वाला, तो नहीं फिसलेगा। हाँ रेनकोट है वो बचाता है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। पूरी ठीक है। क्या शॉट आया यार। ज़्यादातर मैं जो वर्टिकल शॉट देता हूँ ना वो मैं अपने ब्लॉग में नहीं डालता हूँ। ये सारे शॉट्स मैं मोबाइल से जो लेता हूँ अपने इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम में भी आ जाओ, वहाँ भी मेरी फैमिली में जुड़ जाओ। आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली में। पानी बहुत ठंडा है, मस्त पानी है। ये जो रेनकोट है ना है तो किसी काम का नहीं, बट हाँ ठीक है थोड़ा फील आ जाता है पहन के कि हाँ भाई आप लोग नायग्रा फॉल्स में आए थे। क्या लग रहा है यार। मैं तो पूरा भीग गया। तो अच्छा है देखो यहाँ पर ना, अच्छी बात है कि लोग यहाँ उतार के ऐसा नहीं फेंकते, मतलब लोग लेके जाते हैं सीधा जाके वो लोग डस्टबिन में डालते हैं। वही करना चाहिए, नहीं तो ना आप देखोगे और भी बहुत सारी जगहों पे देखोगे ना प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता है, ऐसे ब्लू येलो दिखेंगे, बट यहाँ पर नहीं दिखेंगे। बी रिस्पॉन्सिबल। अमेरिका इतना साफ है। थैंक यू टिका बोलो इसके लिए। बच्चे लोग बैठते ना इसके। यहाँ नहीं। कितने फ्लोर है मालूम नहीं पड़ेगा, अंदाजा लगाऊं तो 30 floors जितना हाइट पे हम लोग नीचे उतरे हम लोग। पता नहीं शायद हो सकता है। तो रेनकोट इधर डाल दिया। चलो पल्लवी कहाँ है। तो पानी चाहिए था, यहाँ पर आया मैंने ऑर्डर दिया, ये रसीद है उसकी। अभी इसको लेके यहाँ पर आऊँगा। एक्सक्यूज मी। और ये मेरा पानी। थैंक यू। फिर क्या, हम लोगों ने अपना अपना स्केटबोर्ड निकाल लिया क्योंकि थोड़े थक गए थे और चल दिया हम लोग घूमने के लिए। ये देखो इन लोगों की वजह से ना पंगे पड़ते हैं। ये देखो वहाँ पर खड़े हैं। क्यों करना है ये सब हरकतें यार। हाय हाय। वो देखो वहाँ पर वो लोग पानी में चले गए वहाँ पर। रेशमा वो देखो पानी में जा रहे वो लोग। ये देखो नायग्रा फॉल्स का पानी यहाँ पर। ये देखो अपने भाई लोग। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा नायग्रा फॉल्स एकदम रॉ फील में दिखाता हूँ। जो इस साइड का नायग्रा फॉल्स है ना वो आता है न्यूयॉर्क स्टेट में। अगर आपको लगता है कि न्यूयॉर्क बहुत छोटा सा, नहीं बहुत बड़ा है। और जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना उस साइड, वो है टोरंटो का साइड। और वहाँ का जो नायग्रा फॉल्स आता है वो आता है ओंटारियो प्रोविंस के अंदर। और दोनों साइड से नायग्रा फॉल्स बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मतलब मैं जितनी बार भी नायग्रा फॉल्स गया हूँ ना ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं दूसरी बार या तीसरी बार आया हूँ। हमेशा ऐसा लगता है कि मैं पहली बार नायग्रा फॉल्स गया हूँ। जब यहाँ बर्फ गिरती है ना पानी पूरा जम जाता है ऐसा लगता है। क्या नज़ारे है यार, बहुत मज़ा आता है। Excuse me. Thank you. Bye bye. Have a good one. कितनी जाति के लोग आए हुए हैं यहाँ पर और कितनी भाषा बोल रहे हैं, बट सबको नेचर से प्यार है। ऐसा कोई इंसान नहीं है ना जो एकदम सैड है और गुस्से में जा रहा है। सब लोग के मुंह में हंसी है, प्यार है, हाय हेलो। मतलब अगर थके भी हुए हैं, पैर दुख रहे हैं, फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। और नेचर एक ऐसी चीज़ है ना
जिसका सहारा लेकर ना आप कितने भी दुखी हो, कितने भी सैड हो, बट आपके मुंह में एक मुस्कान ज़रूर आ जाएगी। और वही हम लोग कर रहे हैं अभी, जो पैंडमिक चालू है उसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा बाहर निकले हैं। आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपके भी चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई होगी और आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, आपको पता है क्या करना है, तो प्लीज़ कर देना, आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। तो ये आप ये गैलरी देख रहे हो काले कलर की, ये कनाडा से आती है, ये कनाडा की गैलरी है। ये देख यहाँ पर बैठी है, कितनी क्यूट है। नायगरा फॉल्स की मिस्ट है ना, वो कहाँ तक उड़ रही है देखो, बादल बन रहे हैं। वाह, तो फाइनली लगा है भूख और हम लोगों ने यहाँ से ये कार्ट से लिया दो चिकन ओवर राइस विद सैलड, यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। कैसा है खाना? फाइनली टैन हो गया यार, बहुत धूप में आज मज़ा आ गया, लेकिन फाइनली डे इज़ कमिंग टू एन एंड। तो दोनों स्केटबोर्ड इधर है, बहुत सारा सामान लेके आए थे, मेरा पूरा कैमरा बैग है, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ कैमरा गियर से, लैपटॉप, कैमरा, 3 लेंस, 5-6 बैटरीज, एवरीथिंग, बट मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। आज मैंने पूरा जो मेरा व्लॉग है ना, पूरा जो वीडियो है ना, इवन सिनेमैटिक्स, एवरीथिंग, मेरे वॉइस, सारा मेरे GoPro Hero 8 से किया है मैंने। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई रोहन भाई, आप सोनी यूज़ करते हो, बड़े बड़े लेंस यूज़ करते हो, इसीलिए आपकी जो वीडियो क्वालिटी ऐसी आती है। होपफुली आपको ये जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है वो भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश की है जस्टिस करने की, थोड़ा बहुत दिखाने की आपको कि यहाँ नायगरा फॉल अमेरिका के साइड में कैसा है। आई नो मैं पूरा जस्टिस नहीं कर पाया हूँ, देर इज़ स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को मैं दिखाता रहूँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ। इस व्लॉग में आप लोग को मैंने पूरा दिखा दिया ये अमेरिका के साइड का नायगरा फॉल्स। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, मैंने पहले भी बोला है, आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब मेरी यूट्यूब की फैमिली बढ़ती है। इवन इंस्टाग्राम में भी आ जाओ और वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करो। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ, थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखिए तो लाइक और कॉमेंट तो बनता ही है। बाय बाय।